दोस्तों आज हम एक पिस्टल शूटर की कहानी सुनेंगे। बात 1938 की है। हंगेरी की आर्मी में एक शूटर था। हंगेरी का वह बेहतरीन शूटर था और सारे देश को आशा थी कि वह 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में यही शूटर गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन जब किस्मत भी साथ न हो तो कुछ न कुछ अघटित होता है। आर्मी में होने के कारण हैंड ग्रेनेड थ्रो की प्रैक्टिस के दरमियान उसके हाथ में बम फूट गया। यह शूटर अपने लक्ष्य से सिर्फ 2 साल दूर था कि यह अनहोनी घटित हुई। डॉक्टर ने कहा कि अब आप शूटिंग नहीं कर सकते, हाथ पूरी तरह से खराब हो चुका है। आप और हम होते तो निराश हो जाते थे, आपके सामने कई प्रश्न उपस्थित होते थे, डिप्रेशन में जाते। लेकिन यह शूटर बड़ा अजीब था। उसने सोचा, मेरा राइट हैंड तो खराब हो गया है, अब मेरे पास बचा क्या है? जो गया उसे छोड़ दो, जो है उस पर ध्यान दो। तो उसने बाएं हाथ की ओर ध्यान दिया और भगवान से धन्यवाद किया कि मेरा बाया हाथ तो साबित है। फिर क्या, हॉस्पिटल से निकलने के बाद बाएं हाथ से प्रैक्टिस शुरू की और प्रैक्टिस करते करते अपने हौसले के दम पर उसने अपने लेफ्ट हैंड को बेस्ट हैंड बना दिया और नेशनल टूर्नामेंट्स में फिर से पार्टिसिपेट होने लगा और फिर एक के बाद एक मेडल जीतता गया। 1940 में ओलंपिक होने वाले थे, उसकी तैयारी शुरू की, परंतु विश्व युद्ध के चलते 1940 के ओलंपिक्स रद्द कर दिए गए और फिर एक बार वक्त ने साथ नहीं दिया। जनता निराश हो गई, लेकिन यह शूटर निराश नहीं हुआ। उसने कहा, शायद भगवान ने मुझे और 4 साल दिए और तैयारी करने के लिए। अब इंतजार था 1944 के ओलंपिक्स का। प्रैक्टिस जोरों से शुरू हुई और 1944 आ गया, परंतु फिर वक्त ने साथ नहीं दिया। फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर के चलते ओलंपिक्स रद्द कर दिए गए। जनता सोचने लगी कि अब इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस खिलाड़ी का ध्यान अब 1948 के ओलंपिक्स पर था। उसने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की और 1948 आया और इस खिलाड़ी ने अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। सारा हंगेरी खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसने वह कर दिखाया था जो असंभव था। अब यहाँ तो रुकता, लेकिन नहीं, जिसमें हौसला है वो आगे ही बढ़ता जाता है। फिर 1952 के ओलंपिक्स में भाग लिया और फिर से गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। वह पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाला पहला खिलाड़ी था। क्या आप जानते हैं यह नाम क्या था? वह था करोली टाकक्स। दोस्तों, यह है इच्छा शक्ति का प्रभाव। इच्छा शक्ति के होते हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। करोली का संकल्प था कि ओलंपिक्स जीतना है। लोगों में ताकत की कमी नहीं होती, उनमें सिर्फ संकल्प की कमी होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संकल्प दूसरी किसी भी चीज से ज़्यादा शक्तिशाली है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि यह भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार कहता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।